गुड इवनिंग दोस्तों, मैं रवि सोलंकी आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विद रवि सर में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम जो है जनवरी माह के इम्पोर्टेंट डेज क्या है उसके बारे में आपको मैं बताना चाहूंगा, तो आप जो है सभी को ध्यान से सुनना है, ये आने वाली आपकी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपको बहुत सारा काम आ सकता है। तो दोस्तों चलते हो ज़्यादा समय न गंवाते हुए हम जो है 1 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक कौन कौन से इम्पोर्टेंट डेज जो है जिसको कौन से दिनों में सेलिब्रेट किए जाते हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो दोस्तों 1 जनवरी है, आप सभी को पता है दोस्तों कि 1 जनवरी को हम ग्रेगोरियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग नए साल के रूप में भी मनाते हैं। इसके अलावा हम जो है दोस्तों उसको वैश्विक परिवार दिन के रूप में भी मनाते हैं, है ना, वैश्विक परिवार दिवस के रूप में भी मनाते हैं। दोस्तों बात करें 2 जनवरी की, तो 2 जनवरी जो है दोस्तों वो विश्व अंतर्मुखी दिवस के रूप में मनाते हैं। कौन से रूप में दोस्तों? अंतर्मुखी जो है दिवस के रूप में मनाते हैं। दोस्तों बात करें हम 3 जनवरी की, तो 3 जनवरी है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय, दोस्तों थोड़ा स्पेस कम होने की वजह से मैंने अंतर्राष्ट्रीय इस तरह से लिख रहा हूँ, आप समझ लेना, अंतर्राष्ट्रीय माइंड बॉडी, है ना, माइंड बॉडी वेलनेस दिवस, वेलनेस दिवस के रूप में मनाते हैं। दोस्तों 4 जनवरी की बात करें तो विश्व ब्रेल दिवस, है ना, विश्व ब्रेल दिवस, कौन सा, विश्व ब्रेल दिवस के रूप में मनाते हैं। दोस्तों बात करें 5 जनवरी की, तो 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस, ठीक है, कौन सा, राष्ट्रीय पक्षी दिवस के रूप में मनाते हैं। दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, ठीक है, साथ ही साथ आप अपने जिस राज्य में रहते हैं, जिस राज्य से बिलोंग करते हैं, अपने अपने राज्य के भी राष्ट्रीय पक्षी के बारे में आपको अपने कॉमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है। दोस्तों बात करें 6 जनवरी की, तो 6 जनवरी जो है दोस्तों कर्तव्य दिन, कौन सा, कर्तव्य दिन। दोस्तों 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस, तो दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है मुझे कि अपने भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, ठीक है। दोस्तों साथ ही साथ आप जिस राज्य से बिलोंग करते हैं उस राज्य का राज्य पक्षी कौन सा है वो भी आपको अपने कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। दोस्तों बात करें 6 जनवरी की, तो 6 जनवरी को दोस्तों कर्तव्य दिन, कौन सा, कर्तव्य दिन के रूप में मनाते हैं, ठीक है। और इसके अलावा विश्व युद्ध अनाथ दिवस, कौन सा, विश्व युद्ध अनाथ दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। दोस्तों आप कमेंट करके मुझे ये भी बताएंगे कि जो कर्तव्य जो है तो अपनी फंडामेंटल्स तो ड्यूटी जो है वो अपने संविधान के कौन से आर्टिकल के तहत आती है, ठीक है। दोस्तों 7 जनवरी को कोई भी दिन के रूप में सेलिब्रेट नहीं किया जाता है। दोस्तों बात करें 8 जनवरी की, ठीक है, तो दोस्तों अब 8 जनवरी की बात करें तो दोस्तों अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापना दिवस, और साथ ही दोस्तों 8 जनवरी को ही पृथ्वी घूर्णन दिवस के रूप में मनाया जाता है, कौन सा, पृथ्वी घूर्णन दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों आप सभी को कमेंट बॉक्स में ये भी बताना है कि भारत में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी और उसमें किन व्यक्ति के अधिकृत जो है राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। दोस्तों 9 जनवरी को जो है NRI दिन को या तो फिर राष्ट्रीय प्रवासी दिवस, ठीक है, राष्ट्रीय नहीं सॉरी भारतीय प्रवासी दिवस, कौन सा, भारतीय प्रवासी दिवस, कौन सा, भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्योंकि दोस्तों इस तारीख को, यानी कि 9 जनवरी 1915 के दिन गांधी जी जो है दोस्तों दक्षिण अफ्रीका से भारत अपने वतन वापस लौटे थे, ठीक है। दोस्तों बात करें दोस्तों 10 जनवरी की, तो 10 जनवरी को दोस्तों विश्व हिंदी दिवस, कौन सा दिवस, विश्व हिंदी दिवस, कौन सा, विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। दोस्तों तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। दोस्तों मैं जो बातें आपको बता रहा हूँ आपको कमेंट करके एक्चुअली आपको बताना है, ठीक है। दोस्तों मैं बात करता हूँ 11 जनवरी की, तो 11 जनवरी जो है वो दोस्तों कौन से रूप में मनाई जाती है, ठीक है, तो 11 जनवरी जो है दोस्तों राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस, कौन सा, राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों 12 जनवरी आप सभी को पता है राष्ट्रीय युवा दिवस, कौन सा दिवस, राष्ट्रीय युवा दिवस, है ना, क्योंकि दोस्तों अपने युवा एक ऐसे लोक पुरुष, एक महानायक,
कि स्वामी विवेकानंद की जन्म जयंती है और जन्म जयंती को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि सबसे पहले राष्ट्रीय युवा दिवस मनाने की शुरुआत कब से की गई थी। ठीक है दोस्तों, बात आती है 13 जनवरी की। तो दोस्तों 13 जनवरी को जो है वो लोहड़ी के रूप में मनाया जाता है। कौन से रूप में? लोहड़ी पर्व। ठीक है, आप सभी को पता है दोस्तों, उसके दूसरे दिन हम उत्तरायण मनाते हैं, यानी कि जिसको अलग अलग नाम से जानते हैं, जैसे कि मकर संक्रांति। 14 जनवरी को कौन से दिन के रूप में मनाया जाता है दोस्तों? मकर संक्रांति। दोस्तों ये अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से मनाया जाता है, जैसे असम है, जैसे तमिलनाडु हो गया, केरल हो गया, तो उसमें अलग अलग राज्यों में अलग अलग दिन के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। तो दोस्तों आप सभी को बताना कि कौन से राज्य में मकर संक्रांति को कौन कौन से अलग अलग दिन के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। बात करते हैं दोस्तों 15 जनवरी की। ठीक है, तो दोस्तों 15 जनवरी जो है भारतीय सेना दिवस। कौन सा दिवस? भारतीय सेना दिवस। कौन सा? भारतीय सेना दिवस। और दूसरा दोस्तों, भारतीय सेना के अकॉर्डिंग अपने जो इंडिया के जो सेकंड नंबर के प्राइम मिनिस्टर जो थे, लाल बहादुर शास्त्री थी दोस्तों। ठीक है, तो उनकी पुण्यतिथि भी मनाई जाती है। कौन सी? तो लाल बहादुर शास्त्री पुण्यतिथि। ठीक है, पुण्यतिथि। तो दोस्तों आप कमेंट करके बताना कि उनकी जन्म तिथि जो है, जन्म शताब्दी कब मनाई जाती है। ठीक है दोस्तों, बाकी का आगे चर्चा करते हैं 16 जनवरी से 31 जनवरी तक। ठीक है दोस्तों, 16 जनवरी की बात करते हैं। दोस्तों 16 जनवरी जो है राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस। कौन से रूप में मनाया जाता है? राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस। और मार्टिन लूथर जूनियर दिवस के रूप में भी दोस्तों 16 जनवरी को मनाया जाता है। दोस्तों 17 जनवरी की बात करते हैं, तो गुरु नानक जन्म जयंती के रूप में भी मनाया जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आप सभी को बताना है कि गुरु नानक जो है सिखों के कितने नंबर के धर्मगुरु थे। दोस्तों 18 जनवरी की बात करें तो थेसो ऋषि दिवस। दोस्तों 19 जनवरी की बात करते हैं, तो 19 जनवरी को जो है कॉक बोरोस दिवस। कॉक बो रोश दिवस। दोस्तों 20 जनवरी, 20 जनवरी को दोस्तों पेगुइन, पेगुइन जो होता है दोस्तों, आप सभी को पता है कि जो है समुद्र किनारे वगैरह पेगुइन देखने को, तो पेगुइन जागरूकता दिवस। पेगुइन के लिए हम किस तरीके से जागरूक हो सकते थे, इसके दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता था, पेगुइन जागरूकता दिवस। दोस्तों 21 जनवरी को दोस्तों अपने नॉर्थ ईस्ट के जो तीन राज्य हैं, त्रिपुरा, मणिपुर और दोस्तों मेघालय, तो मेघालय के जो है स्थापना दिवस दोस्तों। क्या? तो स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों 23 जनवरी की बात करें तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जन्म जयंती दोस्तों इसी दिन को पराक्रम दिवस के रूप में भी सेलिब्रेट करते हैं। तो दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि सबसे पहले जो है पराक्रम दिवस मनाने की शुरुआत कब से हुई थी। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं दोस्तों आगे बढ़कर 24 जनवरी की। दोस्तों 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस। कौन सा? राष्ट्रीय बालिका दिवस। और इसके साथ साथ दोस्तों वैश्व शिक्षा शिक्षा दिवस है ना, विश्व शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, विश्व शिक्षा दिवस। ठीक है दोस्तों, फिर आते हैं दोस्तों 25 जनवरी, राष्ट्रीय मतदाता दिवस। कौन सा दोस्तों? राष्ट्रीय मतदाता दिवस। इसके साथ साथ दोस्तों राष्ट्रीय पर्यटन दिवस के रूप में भी दोस्तों जो है 25 जनवरी को मनाया जाता है। तो दोस्तों आप सभी कमेंट करके बताएंगे कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस और राष्ट्रीय पर्यटन दिवस की जो है इस वर्ष की यानी कि 2024 की थीम क्या रही थी। ठीक है दोस्तों, थीम आप मेरे को कमेंट करके बताएंगे। दोस्तों 26 जनवरी आप सभी जानते हैं कि पूरा भारत पर्व एक लोकतांत्रिक पर्व की जो है रूप में मनाता है, यानी कि गणतंत्र दिवस। कौन सा दोस्तों? गणतंत्र दिवस है ना, रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिन। और साथ ही साथ दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क डे। कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क डे के रूप में जो है दोस्तों 26 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। दोस्तों 27 जनवरी को बात करते हैं दोस्तों, तो 27 जनवरी को जो है कौन से दिन के रूप में मनाया जाता है दोस्तों? तो 27 जनवरी जो है
ठीक है, तो 27 जनवरी को दोस्तों अंतरराष्ट्रीय स्मृति दिवस जो 27 जनवरी को मनाया जाता है दोस्तों। 28 जनवरी को, तो 28 जनवरी जो है दोस्तों, तो 28 जनवरी को कौन से, तो अपने भारत के एक लोक नेता कहो या तो फिर एक क्रांतिकारी वीर है ना, लाला लाजपत राय जन्म जयंती। ठीक है, लाला लाजपत राय जन्म जयंती। ठीक है दोस्तों, वही लाला लाजपत राय जिनको साइमन कमीशन जब भारत आया था तो उसके विरोध में लाठी चार्ज करते हुए उसने अपनी जो है प्राण गवाए थे 1928 में, है ना दोस्तों। तो ये लाला लाजपत राय, तो 29 जनवरी की दोस्तों बात करें तो अंतरराष्ट्रीय समाचार डे, ठीक है, समाचार दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, थोड़ा मेरा पेज भर गया है, मैं थोड़ा इसको मिटा देता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है राष्ट्रीय समाचार दिवस जो है 29 जनवरी के रूप में मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं दोस्तों 30 जनवरी की। 30 जनवरी दोस्तों आप सभी को पता है शहीद दिवस, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जो है इस दिन दोस्तों नाथूराम गोडसे के द्वारा हत्या कर देने में आई थी, और इस दिन को दोस्तों जो है शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके साथ ही सर दोस्तों विश्व कुष्ठ रोग, जो हमें अपने शरीर में जो रोग होते हैं उन रोगों के उपनिकारण के लिए है ना, निवारण के लिए जो है दोस्तों विश्व कुष्ठ रोग दिवस के रूप में मनाया जाता है। और लास्ट में दोस्तों है 31 जनवरी। 31 जनवरी जो है दोस्तों वो इंटरनेशनल ना अंतरराष्ट्रीय जिब्रा दिवस, जिसको घोड़े की ही एक प्रजाति होती है, घोड़ा और जिब्रा की मिक्स प्रजाति, इसको जिब्रा कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, तो उसके रूप में जो है अंतरराष्ट्रीय जिब्रा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों एक मेरा छोटा सा प्रयास था आप सभी को ऐसे ही जनवरी माह के इम्पोर्टेंट डेज जो है उसके अवगत कराने का। दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आपको जो है मेरे वीडियो को लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है, और ऐसे ही मुझे मोटिवेट करना है ताकि मैं आप भी और आपके सामने जो है ऐसे ही और वीडियो बना के ले आऊँ। दोस्तों कल 1 फरवरी है, तो मैं 1 फरवरी को जो है मैं आपके सामने बजट से रिलेटेड कुछ तथ्य लेकर आऊँगा। तब तक दोस्तों बने रहिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।